खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण चरम पर है, तो प्रदूषण को लेकर राजनीति चरमोत्कर्ष पर। कोई ना कोई नेता आए दिन प्रदूषण की नई वजह या उसके रोकने के नए तरीके बताता रहता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, कोई पंजाब सरकार को दोषी बताता है तो कोई हरियाणा तो कोई केजरीवाल को। एक बार फिर बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल ने प्रदूषण का नया कारण बताया है, वो ऐसा जो आपको हैरान कर देगा। क्या कुछ कहा विनीत अग्रवाल ने और क्या बोले वो प्रदूषण को रोकने के लिए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रदूषण पर नेताओं की बयानबाजी के क्या कहने, बयान सुन लो तो लगता है दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण तो इनके मन में है। हरियाणा पंजाब पर प्रदूषण का दोष मढ़ने के बाद अब देशों पर इसका आरोप लगने लगा है। हरियाणा पंजाब को केजरीवाल कोस रहे थे, लेकिन बीजेपी नेता पड़ोसी देश तक पहुंच गए हैं। बीजेपी नेताओं के प्रदूषण के कारण और उपाय वाले बयान सुनकर लगता है कि सारे नेता नहीं वैज्ञानिक है। अभी दो दिन पहले योगी सरकार में मंत्री सुनील भराला ने प्रदूषण रोकने का लाजवाब उपाय बताया था। उपाय क्या था कि सरकार यज्ञ करवाए तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और बारिश हो जाएगी। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने किसान परिवार के पूर्व कामों को भूल गए हैं। और ये जो पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग इस समय, ये पॉल्यूशन से ज़्यादा ये मौसम खराब होने के कारण से ये ईश्वरीय देव है मामला, ये प्राकृतिक का है। इस पर आप देखते होंगे कि जहाँ लगातार ये बात कर रहे हैं पॉल्यूशन की, ये मौसम इस प्रकार से होता ही है। दिवाली के आसपास एक मौसम हमेशा होता है, बरसात का मौसम होता है, एक धुंध टाइप सी होती है। अभी ये धुंध है नहीं, लेकिन ये लगता है कि इस प्रकार से एक मौसम है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि लगातार मनीष सिसोदिया जी ने जो कहा है कि पराली 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 का मतलब सीधा है कि किसानों पर हमला है। किसान परिवार से जन्मे लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि किसान गन्ना छीलता है तो उससे पत्ती निकल के आती है, उसका अगर फसल कोई काटता है तो, या चाहे वो अरहर की दाल है, चाहे वो उड़द की दाल है, चाहे वो मूंग की दाल है, वो सारा एक प्रकार से उसको दाल और गन्ना छीलने के बाद में कूड़ा हो जाता है, तो उसको जलाने की प्रक्रिया हमेशा होती रही है। और जब वो जलेगा तो वो थोड़ा बहुत धुआं निकलता है, उससे प्रदूषण से नहीं ज़्यादा होता, वो तो प्राकृतिक और सिस्टम किसान का है। तो उसको लेकर के जो हमला हो रहा है ये बिल्कुल दुखद है, इस पर विचार करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, जितना ध्यान इस बात पे दिया जा रहा है, तो जो हमारी परंपराएं थी यज्ञ करने की, गांवों में परंपराएं थी, तो सरकारें भी इस काम पर यज्ञ कराए और भगवान देव इंद्रदेव को मनाए, वो बरसात करें, वो सारा ठीक कर देंगे, अपना आप ही ठीक हो जाएगा। ये तो था प्रदूषण से बचाव का उपाय। अब एक और बीजेपी नेता ने प्रदूषण का नया कारण बताया है। दिल्ली एनसीआर में फैले वायु प्रदूषण पर भाजपा नेता विनीत अग्रवाल ने कहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ हो सकता है। विनीत अग्रवाल का कहना है कि खेतों में जल रही पराली से वायु प्रदूषण पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जहरीली हवा हो सकता है कि बगल के मुल्क ने छोड़ दी हो, जो हमसे घबराए हुए हैं। पॉल्यूशन देश के लिए घातक है, ये पॉल्यूशन पे आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, इससे हर व्यक्ति दुखी है, इस पे रोक लगनी चाहिए। परंतु जिस तरीके से चर्चाएं सुनने में आ रही हैं, जिस तरीके से दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री, बाकी लोग बोल रहे हैं कि पराली से नुकसान हो रहा है, पराली जलाने से हो रहा है,
किसान मेरे देश की रीढ़ की हड्डी है। फिर कहते हैं उद्योगों से हो रहा है, उद्योग किसान और व्यापारी दोनों का चोली दामन का साथ है। किसान और व्यापारी को इतना प्रभावित मत कीजिए कि किसान और व्यापारी अगर टूट जाएगा तो मेरा देश चल नहीं पाएगा। देश की रीढ़ की हड्डी अगर कोई है तो भारत की कृषि है और व्यापार है। इस पर सोचना चाहिए कि जो जहरीली हवा आ रही है, जहरीली गैस ये आई है, ये हो सकता है किसी बगल के मुल्क ने छोड़ी हो जो हमसे घबराया होगा। मुझे लगता है पाकिस्तान या चाइना जो भी है ये हमसे घबराए हुए हैं। अब बीजेपी नेता ने कारण तो बता ही दिया, ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि सेना को आदेश करे और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाए। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।